अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा या गुजर चुका होगा। तो जहाँ कहीं भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो जी, हम लोग सुबह सुबह निकले हैं घर से, हमें अपने पासपोर्ट पिक करने जाना है, वो पिक करेंगे, साथ में एक दो छोटे छोटे काम है वो करेंगे। तो जब ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको करने के लिए हमें अपने घर से दूर जाना पड़ता है, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ तो हमें ये सारे काम करने के लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है और फिर जाना पड़ता है। तो फिर जब हम ऐसे काम करने होते हैं तो हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं और टाइम से सारे काम फिनिश करके 1 बजे से पहले या 1 बजे तक हम लोग घर आ जाते हैं। तो आज सुबह में हस्बैंड ने ऑफ लिया था कि हम ये वाले ज़रूरी काम कर लें, जो कि मैं कर चुकी हूँ, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। एंड टाइम जो है वो अभी अराउंड 12:30 हुए हैं। रास्ते से मैंने कोकोनट वाटर लिया है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो बस इसे पीते पीते घर जाएंगे और घर जाकर करेंगे इस व्लॉग को कंटिन्यू। सो जी, घर आकर मैंने झटपट से खाना बनाया। चिकन मैं निकाल के गई थी, चावल मैं भिगो के गई थी। घर आते ही मैंने यखनी चढ़ा दी थी और उसके बाद मैंने झटपट से यखनी पुलाव बना लिया था। तो काफ़ी मन से लास्ट जो मैंने डीप क्लीन किए थे, पंखे वगैरह साफ़ किए थे, आई थिंक इट वाज छोटी ईद पे किया था मैंने। और उसके बाद जो सरकमस्टांसेस रहे लाइफ में, कुछ भी नहीं हो पाया लाइफ में, तो मैंने कहा आज पंखे वगैरह साफ़ कर लें और विंडोज़ वगैरह को क्लीन कर लें। तो मैं वैक्यूम क्लीनर के साथ जो एक एक्सटेंशन आता है जो कि छोटे छोटे कोनों में जाकर सारी डस्ट को, धूल को, मिट्टी को इकट्ठा कर लेता है, उसको यूज़ करते हुए
मैं विंडो के इस पार्ट को क्लीन कर रही हूँ, कर्टन के जो रोड होता है उसको क्लीन कर रही हूँ। इससे बहुत हेल्प हो जाती है, जहाँ कहीं भी डस्ट होता है, जहाँ कहीं भी गर्द इकट्ठी हुई होती है वो साफ़ हो जाती है। अब खिड़कियों को मैं अंदर से तो साफ़ कर सकती हूँ इस पार्ट को, लेकिन बाहर से नहीं साफ़ कर सकती, तो मैं अंदर से जितनी कोशिश होती है उसको साफ़ रखती हूँ। अब पंखा आप देख सकते हैं अच्छा खासा गंदा है, तो इसको मैं इसी एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये ब्रश जो है वो छोटा होता है, तो बहुत अच्छे से सारी डस्ट को और जो भी डर्ट वगैरह होती है उसको साफ़ कर देता है, लाइक पंखे नीट क्लीन हो जाते हैं। तो यूजुअली ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं ये काम करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अच्छे से करते हैं। और हस्बैंड जो यूजुअली मेरे वो तो कपड़ा लेते हैं और उससे क्लीन करते हैं, लेकिन मैंने जब करना होता है तो मैं इतना लंबा मेरा हाथ नहीं जाता ऊपर तक, तो मैं फिर वैक्यूम क्लीनर से कर लेती हूँ। साफ़ डर्ट साफ़ हो जाती है, लेकिन जो इसके एंड्स पर थोड़ा थोड़ा डस्ट रह जाता है वो फिर हस्बैंड कपड़े के साथ क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्टबन होता है तो वो टाइम लेता है निकलने में। इसी तरह मैं ये डोर के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये सारा जो इसकी साइड्स होती हैं, उनको भी मैं इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए क्लीन कर लेती हूँ। एसी का जो हमारा लिड होता है, उसके ऊपर का जो फ़ैन का एरिया होता है जहाँ से हवा निकलती है, उसको भी मैं इसी तरह ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ये एक्सटेंशन बड़े काम की है, इससे दीवारों पर जो हल्की हल्की डस्ट आ जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो मैं अंदर का पंखा साफ़ कर रही हूँ, अब टाइम है बाहर के पंखे को क्लीन करने का। तो आप देख सकते हैं मुझे इस घर में रहते हुए 4 साल हो चुके हैं पूरे, और अभी तक ये घर की जो सीलिंग है वो नीट क्लीन है, क्योंकि मैं इसी तरह ही ऑन एंड ऑफ इनको क्लीन करती रहती हूँ। लाइक छतें जो होती हैं उनके उनके कॉर्नर्स में भी वैक्यूम से, नहीं तो पहले ब्रश होता था तो ब्रश से साफ़ कर लेते थे। तो इसी तरह मैंने भी सारे बेडरूम के कॉर्नर्स को क्लीन किया है। ये सारी ऊपर की जो आप देख सकते हैं वाइट बॉर्डर है, इन सब पर मैंने वैक्यूम किया है। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा सकता था मैंने वहाँ वहाँ किया है। ये जो लाइट्स हैं इनको भी मैंने इसी तरह ही एक्सटेंशन की मदद से जितना मेरे से मैक्सिमम हो सका है मैंने साफ़ किया है। अब जो बाहर का पंखा है वो इतना साफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि साथ ही मेरा किचन है, तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ऑयल आता है हवा के साथ, तो वो फिर यहाँ पर स्टिक हो जाता है। तो अभी ये मैंने जितनी कोशिश की साफ़ करने की, स्टिल ये मुझसे नहीं हो पाया। तो अब ये हस्बैंड इसको वेट क्लोथ के साथ ही अच्छे से क्लीन करेंगे। तो बस जो मेन मेरा आज का जो मेन एजेंडा था ना, कि मुझे डीप क्लीन करने हैं, पंखे साफ़ करने हैं, कर्टन के रोड साफ़ करने हैं, इसके अलावा कॉर्नर्स में एसी के ऊपर के जो शेड हैं उनको क्लीन करना है, वो मैं कर चुकी हूँ। लास्ट में है जी अब वैक्यूम। तो मैं पूरे घर में जैसे वैक्यूम करूँगी, और उसके बाद मॉप करेंगे और क्लीनिंग को जल्दी से करेंगे जी कंप्लीट, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडेज पर मैं लाजमी क्लीनिंग करती हूँ। तो बस अभी मेरा वैक्यूम रहता है, वो करेंगे। डस्टिंग मैं कर चुकी हूँ।
क्लीनिंग डन हो चुकी है लेकिन मैं मशीन को लोड करना भूल गई थी। इस वीक में मैंने बिल्कुल भी लॉन्ड्री नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो इकट्ठे हो चुके थे। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन लोड की है, सॉक की ऑप्शन अभी मैंने उस पर रखा है। 20-25 मिनट्स के बाद मैं इसको नॉर्मल वॉश और रिंस पर डाल दूँगी और फिर उसको हम लोग ड्राई होने के लिए डाल देंगे। तो जी किचन मैंने क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप्स रहते हैं क्लीन होने वाले, वो मैं अभी कर लूँगी वाइप से। बर्तन मैं धो चुकी हूँ, सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी हूँ और आज वीकेंड है तो वीकेंड पे अक्सर मेरा जो दिन होता है वो क्लीनिंग करते हुए, पूरे घर को डीप क्लीन करते हुए ही गुजरता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब फ्राइडे हो तो मेरा घर बिल्कुल नीट क्लीन एंड टाइडी हो और घर से अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो अभी ये मैं कारफोर के क्लीनिंग वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इनका बेस्ट थिंग क्या है कि इनसे जब मैं किसी भी जगह को साफ़ करती हूँ तो पूरे किचन में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। लाइक यू डोंट नीड टू डू एनी बखूर इन द किचन और कोई एयर फ्रेशनर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर सो गुड। तो बस अभी काउंटर टॉप्स का मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि अभी मुझे कोई कुकिंग कुछ भी नहीं करना। सो आज का मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, अगर इस वीक में कोई एक दिन जो कि मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा है तो वो आज का था। मैं सुबह सुबह घर से गई, मैंने अपने घर के बाहर के सारे काम फिनिश किए, आई केम होम, आई कुक्ड चिकन पुलाव। यूजुअली जब हम बाहर जाते हैं तो फिर लंच हम बाहर से कर लेते हैं, लेकिन आज मेरा था कि नहीं घर जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की कि बाहर से खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई केम होम, आई मेड चिकन पुलाव। उसके बाद मैंने पंखे साफ़ किए, घर के कोना कोना साफ़ किया, क्लीनिंग की, सब कुछ किया। और जब आप इस तरह पूरा दिन अपना इतना प्रोडक्टिव रखते हैं, काम करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, जो कि मुझे आज काफ़ी दिनों के बाद फील हुआ है। यूजुअली मैं इतनी लेज़ी हो चुकी हूँ कि मैं काफ़ी कामों को काफ़ी दिनों पर डाल देती हूँ, लेकिन आज मुझे वाकई में बहुत अच्छा फील हुआ है। जब आपका घर साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, नीट हो जाता है, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी मैंने लाइट्स बंद कर दी हैं, लैम्प जला लिया है, इससे और अच्छी और काम सी मुझे एक फीलिंग आती है। तो जी सुबह तो हस्बैंड की नहीं चली, लेकिन रात में उनकी चल चुकी है। और ग्रिल हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया है, सीख कबाब एंड चिकन, ग्रिल चिकन टिक्का पीस, तो ये फूड आ चुका है। अच्छा, मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मदीना ग्रिल। अगर आप माबेला में रहते हैं तो शेल के पंप पर आपको दिखेगा फ्लेक्स जिम के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ से अगर आपका दिल करता है बहुत स्पाइसी और मज़े का चटखारे वाला ग्रिल फूड खाने का, तो वहाँ से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइक इनका चिकन इस डाई फोर और सीख कबाब भी बहुत मज़े के होते हैं। इसके जी हुम्मस है, गार्लिक सॉस है, सैलड है एंड सूप है। तो ये हमारा आज का डिनर होने वाला है, नो ब्रेड नो राइस, सिर्फ ये चिकन और कबाब हम लोग खाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बचेगा वो कल हम इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। साथ में हम लोग देख रहे हैं जो अमेज़न प्राइम पर मूवी, एक्चुअली आजकल उतना खास कुछ है नहीं देखने को, तो जो भी मिलता है हम लोग देख लेते हैं। इसका मैंने ट्रेलर देखा था, सही लगी थी, तो मैंने कहा ये देख लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू वॉच चेहरे, और जो हमारा वीकेंड है वो स्टार्ट हो चुका है और जो थर्सडे है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, मैं आराम से मूवी देखूँगी, चिल करूँगी, रिलैक्स करूँगी और आपसे मिलूँगी कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तो अगर आप आज मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा नहीं पता, तो मेरा नाम अलीज़ा है, ये मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।